यूपी के गोंडा जिले से बड़ी खबर। वैश्विक महामारी कोरोना में थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे रेल कर्मचारी को भोजन करने से नाराज अधिकारियों तथा सहकर्मियों ने जमकर पीटा। पीड़ित ने संबंधित पुलिस को प्राथमिकी देकर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। मनोज यादव ने मामले की पूरी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देते हुए एक लिखित प्रार्थना पत्र आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को सौंप दी, जिसके बाद पीड़ित को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। खबर मिलने तक पीड़ित की प्राथमिकी नहीं लिखी गई थी, जबकि इस मामले में संबंधित पोस्ट कमांडर प्रवीण कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से प्राथमिकी मिली है। अधिकारियों के निर्देश पर उक्त मामले की विवेचना की जा रही है। निश्चित ही दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पीड़ित मनोज यादव। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। टेक्नीशियन सेकंड के पद पर मैं आरडीए डीजल लवी गोंडा में कार्यरत हूँ और मेरी ड्यूटी 1/5/2020 को कोविड-19 में थर्मल स्क्रीनिंग में लगाई गई थी, जिससे मैं सभी कर्मचारियों का जो है थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा था। और मेरे साथ करीब 1:00 लगभग 13:00 मतलब कि मुझे भूख लगी, तो मैंने भोजन करने के लिए ऑन ड्यूटी अपने इंचार्ज से अनुमति मांगी तो और मशीन मैंने थर्मल स्क्रीनिंग उनको दे दी और अनुमति मिलने के बाद मैं अपने आरडीए में खाना खाने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग में आपकी ड्यूटी लगी। जी सर। तो क्या आपके यहाँ जब आपको आपकी ड्यूटी लगी तो पीपीई किट यानी सुविधाएं भी दी गई उसके साथ में? नहीं सर, पीपीई किट मुझे नहीं, फिर मुझे ग्लव्स मिले थे सर, बस मास्क तक भी मुझे नहीं मिला है। अच्छा, मास्क और ड्यूटी पर लगा दिया। अरे ड्यूटी पर कौन लगाया था? सर ये हमारे आरडीए इंचार्ज। क्या नाम है उनका? इनके चतुर्वेदी जी मुझे लगाए थे। अच्छा अच्छा, इनके चतुर्वेदी जी। उनका कहना था कि बड़े सर का आदेश है, आप लोग जो है। क्या आपने उनसे पीपी किट की डिमांड की थी? हाँ बिल्कुल सर, मैंने पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर सब चीज की। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि मतलब जो है उपलब्ध नहीं है और जब आएगा तो मिल जाएगा। एक जानकारी के मुताबिक आपके साथ कुछ विवाद भी हुआ। हाँ, कुछ लोगों ने आपके साथ हाथापाई की। जी सर। क्यों की? सर इस वो कौन लोग थे? हाँ सर, वो लोको पायलट मेल एक्सप्रेस श्री आर एस मिश्रा और सहायक लोको पायलट श्री योगेश शर्मा ने मेरे साथ मारपीट किए, इससे मुझे काफी चोटें। किस चीज से मारा था? सर लात से मारा, पैर से मारा और दरवाजा बंद करके मुझे मारा। जब आपको मारा था वहाँ पे कुछ लोग और रोए? हाँ सर, मेरे साथ ही सहपाठी जो कर्मचारी थे उन लोगों ने सारा ये घटना, लोगों ने बीच बचाव किया। हाँ सर, बीच बचाने का प्रयास किया, लेकिन सर ये लोग इतना मतलब लोकल होने के नाते सर। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रहने वाला हूँ। तो आपको इन लोगों ने जब मारा, इस बात को लेकर के आपने संबंधित डिपार्टमेंट को यानी पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया हुआ? हाँ सर बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले आरपीएफ कमांडर को मैं बताया और मुझे वो लोग मतलब सूचना कार्यालय से ही मतलब पहुंच गई थी। आरपीएफ के कांस्टेबल दो लोग आए, मुझे लेकर गए, मुझे मेरा इस प्रतिक्रम उसके लिए मैंने अपना बयान किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या कोई एफआईआर लिखी गई या नहीं? हाँ सर, मेरी अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। मैं आरपीएफ में चिट्ठी देने के बाद में मैं जीआरपी में एफआईआर के लिए आया था, तो जीआरपी ने कहा कि मेरे एरिया से ये जो क्षेत्र है ये बाहर है, आप कोतवाली शहर चले गए। कोतवाली में मैं घर चले गए, कोतवाली में मैं गया तो वहाँ पर भी बताया कि हम विवेचना करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद आपकी एफआईआर कहीं लिखी नहीं। क्या आपसे और इन विपक्षियों से जिन लोगों ने आपको मारा पीटा इससे पहले भी कोई विवाद हुई थी और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, ये लोकल एरिया के रहने वाले हैं, श्री आर मिश्रा ग्राम बटवरिया गोंडा के रहने वाले हैं और योगेश शर्मा जो है ये सोना दमन के रहने वाले, दोनों लोकल एरिया हैं और दबाव बनाकर हम लोगों से। क्या इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था? हाँ सर, श्री आर एस मिश्रा विवादों में रहे हैं हम लोगों के बीच में, कुछ ऐसे कार्य होते रहे हैं हम लोगों के ड्यूटी के प्रति जिससे हम लोगों के बीच उनकी नाराजगी, हम 14 कर्मचारी हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत नाराजगी पहले से चली आ रही थी, तो इसमें संबंध में हम लोगों ने अपने सीनियर डीएम महोदय से शिकायत की थी जिससे ये लोग नाराज चल रहे थे। आपने कहा अपने सीनियर डीएम जी, वो कौन है, कहाँ बैठते हैं? लखनऊ में बैठे, सुधीर सिंह लखनऊ में बैठे। सुधीर सिंह जी सर, तो ऐसे में आप मीडिया के माध्यम से अपने अधिकारियों से क्या उम्मीदें या क्या डिमांड करना चाहेंगे? सब उम्मीद यही करना चाहेंगे कि मेरे साथ जो हाथापाई मारपीट की गई है तो सबसे पहले इसकी उचित जांच होनी चाहिए और जो लोग मारे पीटे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक ये कोविड-19 में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी जिस तरह कह रहे हैं कि देश का कोई भी कर्मचारी अगर कोविड-19 में ड्यूटी में काम कर रहा है, एक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहा है,
और उसके साथ किसी प्रकार की अगर बदमाशी कोई कर्मचारी करता है या कोई स्टाफ करता है तो सख्त से सख्त NSA लगा दिया जाएगा धाराओं में कार्य। तो मैं भी उम्मीद यही करता हूँ कि